वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि हमने जो है 11 मार्च को स्विंग ट्रेडिंग के कुछ चार स्टॉक्स बताए थे और हमने ये भी बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम स्टॉक को एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं और जब भी उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जनरली 4 दिन की, 5 दिन की, 10, 15 दिन की भी हो सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें मैक्सिमम पर टाइम पर क्या होता है, हमें पॉजिटिव रिटर्न ही मिलता है। ये जो ट्रेडिंग है बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट की। इस ट्रेडिंग के द्वारा जो है हम अपने रिस्क को मिनिमम कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंट्राडे में क्या होता है कि हमको स्टॉक जो है उसी दिन सेल करना होता है, तो अगर हमें लॉस हो रहा होता है तो हमें लॉस बुक करना ही पड़ता है क्योंकि हमने मार्जिन पर ले रखा होता है उस स्टॉक को। और स्विंग ट्रेडिंग जो है मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले स्टॉक को जो हमने 11 मार्च को हिंदुस्तान पेट्रोलियम बताया था। 11 मार्च को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो प्राइस था वो 263.4 रुपीस चल रहा था 11 मार्च को, और आज है 18 मार्च। 18 मार्च को देखिए 286.8 रुपीस पर है, लगभग 9% के आसपास। देखिए 8.88% का रिटर्न दे दिया। तो आपको बिना किसी रिस्क के 6 दिन के अंदर 8% का रिटर्न इस स्टॉक में मिल गया तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट क्यों नहीं है। फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकता है आपको 4-5 दिन लगातार प्रॉफिट हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उस दिन आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अगर कोई स्टॉक नीचे भी गिरता है, सपोज इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए ये था 11 मार्च को हमने जो है सजेस्ट किया था और उसके अगले दिन देखिए स्टॉक हाई पर खुला था लेकिन इसने क्या है नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, इसने क्लोजिंग पिछली बार से कम की दी थी। लेकिन क्योंकि हमने इसको डिलीवरी में बाय किया तो देखिए उसके बाद देखिए फिर अपर साइड और लगातार 1-2 और इन दो दिनों से देखिए आप कितना शानदार परफॉर्म किया है इसने। और आज तो इसने 287 रुपए का जो है हाई भी मारा है और 286.8 रुपीस पर क्लोज किया है। तो जिन्होंने भी ये स्टॉक खरीदा होगा आज जो है 8% का प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। तो कितना अच्छा ट्रेड हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। अब हम जानते हैं हमारे सेकंड स्टॉक के बारे में जो हमने सजेस्ट किया था, वो देखते हैं सीमेक। सीमेक का जो 11 मार्च को जो प्राइस चल रहा था वो 401.8 रुपए चल रहा था और अभी देखिए 18 मार्च को कितने रुपए चल रहा है, 424.5। बिना किसी रिस्क के 5.64% का रिटर्न मात्र 6 दिन में हमने गेन कर लिया स्विंग ट्रेडिंग से। आप देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है धीरे 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 क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपको ब्रेकआउट वाले ट्रेड जो है सजेस्ट किए थे और स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही अच्छी काम आती है। और आप देखिए कितना अच्छा रिटर्न बनता है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है बिना किसी रिस्क के। अब देखिए जुबिलेंट लाइफ साइंस, इसमें भी फिर मैं आपको बताता हूँ 11 मार्च को हमने जो सजेस्ट किया था वो 847.3 रुपए पर चल रहा था और 18 मार्च को देखिए 872.9 रुपए पर आ गया है। तो देखिए बिना किसी रिस्क के ये भी कितना अच्छा बढ़ा है, 3% का रिटर्न दिया है। और इसने तो जो आज का हाई देखिए 898 रुपए पे ओपन हुआ था ये, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो उनको तो 3% से ज्यादा भी रिटर्न मिला होगा इस स्टॉक में। तो आप, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं तो मैक्सिमम पर चांस है, अगर एक अच्छे स्टॉक बाय करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 7-8 ट्रेड जो है आपके पॉजिटिव ही जाने वाले हैं अगर मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो। तो आप देखिए जुबिलेंट लाइफ साइंस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है 11 मार्च को देखिए। इसमें भी वही कहानी, अगले दिन गिरावट, फिर गिरावट, लेकिन देखिए क्योंकि हमने डिलीवरी में ले रखा है
तो ये देखिए फिर से अपर साइड अपर साइड, तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग जो है वर्क करती है। चौथा स्टॉक देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल, 11 मार्च को 335.8 रुपए पर था और 18 मार्च को 339.4 रुपए पर है। इसमें हमें 1% का ही प्रॉफिट हुआ है। मैं ये आपको जो परफॉर्मेंस बता रहा हूँ वो आज के डेट के हिसाब से परसेंटेज निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन इसने 335.8 उसने हाई जो है 349 रुपए का भी बनाया है इन 6 दिनों के अंदर अंदर। तो जिसने 345 या 48 में प्रॉफिट बुक किया होगा तो उसको तो आराम से ज्यादा रिटर्न मिला होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है हमें मौका देती है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जितना प्रॉफिट मिलता है उतना लेके बाहर निकलना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो होता है जो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया वो अपना है। जब तक मार्केट में आपका पैसा रहेगा, जब तक आपके जो है स्टॉक की प्राइस जैसे जैसे ऊपर नीचे होती रहेगी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन भी ऊपर नीचे होती रहेगी, जो आप बुक कर लेते हैं वो अपना प्रॉफिट होता है। तो इन चार स्टॉक से आप क्या समझे, चारों ही स्टॉक ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, तो आप समझ सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग कितना अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और स्विंग ट्रेडिंग ही से ही हम ट्रेडिंग में जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट, वरना इंट्राडे करेंगे तो लॉस होगा ही, 101% लॉस होगा। हो सकता है आप 10 दिन प्रॉफिटेबल रह जाए, 20 दिन प्रॉफिटेबल रह जाए, लेकिन एक दिन या दो दिन ऐसे जरूर आएंगे वो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएंगे इंट्राडे में। तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और मस्त रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, पार्ट टाइम इनकम होती रहेगी। और स्विंग ट्रेडिंग जो है इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी है और बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।